हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्य और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। खुशी की खबर बताना चाहता हूं आपको, वो भी सूर्यवंशी से जुड़ी हुई। जी हां, अक्षय कुमार की फिल्म की जो शूटिंग है सूर्यवंशी की, वो आज से मुंबई में चालू हो चुकी है। यही नहीं, इससे बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि सूर्यवंशी की शूटिंग आज से चालू भी हुई है और आज से एक नया स्टार कास्ट इस फिल्म में ज्वाइन हो चुका है। जी हाँ, यहाँ पर अक्षय कुमार की मम्मी का रोल कौन प्ले करने वाले, ये जरूर चर्चा होगी मार्केट में। लेकिन आपको बता दूं कि नीना गुप्ता, जी हाँ, नीना गुप्ता को अप्रोच किया गया है। नीना गुप्ता इस फिल्म में आज से जुड़ चुकी है और शूटिंग में भी आज से आने लगी है। नीना गुप्ता आपको बता दूं वही लेडी है जिन्होंने बधाई हो फिल्म में एक मदर का, प्रेगनेंट मदर का रोल प्ले किया था। उनके हस्बैंड का रोल प्ले किया था गजराज राव ने। उस फिल्म में सानिया मल्होत्रा थी, आयुष्मान खुराना थे। फिल्म बहुत अच्छी चली थी और एक कमाल की फिल्म थी। उस फिल्म के लिए नीना गुप्ता को फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया बेस्ट एक्ट्रेस का, जो बहुत ही बड़ी बात है। और 30-35 साल या 40 साल काम करने के बाद आखिरकार उन्हें एक नया, एक जीवनी मिली, एक नई चीज मिली है। बधाई हो से फिल्म इंडस्ट्री में वापस से उन्हें लोग जाने लगे हैं। और ऐसे में नीना गुप्ता का ये जो रोल है सूर्यवंशी में, वो नॉर्मल धोने धोने वाली जो मदद होती है ना फिल्म में, वो नहीं है, एक अलग तरह की मम्मी का रोल है। शायद चैलेंजिंग रोल है जैसे कह रही है। बहुत ज्यादा उन्होंने रिवील नहीं किया अपने कैरेक्टर के बारे में, जरूर कहा है कि चैलेंजिंग है, बड़ा यूनिक है। और अक्षय कुमार की मम्मी बनी है तो जरूर कुछ अलग ही होगा। और अक्षय कुमार के साथ इस फिल्म में कैटरीना कैफ भी है, तो कितना एक्साइटेड है इस फिल्म के लिए जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो शाम को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। चलिए फिलहाल इतना ही कहेंगे हमें जाते जाते, बधाई हो।